असल नाजरीन मैं हूँ असद अली अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ आज सबसे पहले तो हम आपको एक अफसोसनाक खबर सुनाएंगे। आई ए रहमान साहब के इंतकाल की अल्लाह में उनको जन्नत नसीब आ, करें आज वो इंतकाल कर गए हैं और उनसे जुड़े कुछ वाक़ भी बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएँगे किस तरह हमारा समाजी इहतात हो रहा है और किस तरह ये मुल्क एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रहा है कि ये मुल्क अल्लाह माफ़ करे बहुत ही ख़तरनाक बहरान की तरफ़ बढ़ रहा है और मसला ये है कि एक ऐसे दौर में बढ़ रहा है कि जिसमें बाज़ लोगों को अपने रकबों और पिज़ा हटों की अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा और उसकी कीमत मैं और आप अदा करने दें हम संगीन बहरान की निशानदेही आज करेंगे तो सबसे पहले तो हमने बात की आइए रहमान की आ, नामवर वो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ थे डेमोक्रेसी के लिए बात करते थे पाकिस्तान के पिसे हुए तबकों के लिए लड़ते थे लिखते थे बोलते थे और हमेशा उन्होंने इन्हीं तबक़ात की बात की कभी उन्होंने अपनी ज़ात की बात नहीं की कभी वो ताकतवर के साथ नहीं खड़े हुए हमेशा पिसे हुए तबकों के साथ खड़े हुए आसमा जहांगीर महरूमा के बाद पाकिस्तान आज दूसरी बड़ी और ताकतवर तरीन आवाज़ से महरूम हुआ है और ये एक ऐसे दौर में महरूम हुआ है जब हमें इन आवाज़ों की ज़रूरत है इस घुटन जदा माहौल में हमें ऐसे लोगों की सरप्रस्ती की ज़रूरत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आई ए रहमान इंतकाल गए हमें याद है आज से कुछ अर्सा पहले जब इस्टबलिशमेंट के प्रवरदा डॉक्टर शाहिद मसूद मसूफ जो प्रोग्राम करते हैं कैंकर हैं उनके खिलाफ एक साब निसार ने केस के अंदर बुलाया जब तमाम सीनियर सहाफ़ी और इंसानी हकूक के मायरीन को तो उसमें आई ए रहमान भी रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस होते थे उसकि निसार कोर्ट रूम नंबर वन था तो उन्होंने कहा कि काश मैं आपको चाय पेश कर सकता तो आई रहमान थोड़ा ऊंचा सुनते थे तो उन्होंने कहा क्या कहा आपने क्या कहा तो उन्होंने कहा काश मैं आपको चाय पेश कर सकता तो उस रेमांव उन्होंने धीमी लेकिन बहुत ही जानदार अल्फाज में जवाब दिया चाय नहीं इंसाफ चाहिए लॉर्ड थप्पड़ था निसार के पर। के ऊपर कि हम आपसे चाय पीने नहीं आते इंसाफ लेने आते हैं अदालत में लेकिन साकम निसार को क्या फर्क पड़ता था स्टेब्लिशमेंट ने उनको चाबी दी हुई थी वो नाचते फिर रहे थे और तो ऐसी कदम शख्सियत आज हमने से चली गई अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हम में से जा रहे हैं लेकिन जफर जफरि जैसे लोग नहीं मर रहे हैं। वो जिंदा है अब देखिए इस मुल्क में किस तरह एक का ये मुल्क शिकार है कि इस मुल्क की स्क्रीनों पर अजीबोगरीब गरीब जैसे भट्टियों गुलाम हुसैनों और इन लोगों के कब्जे हैं वो कौम को जहालत बेचते हैं कौम को वो जहर कौम के जहनों में दाखिल करते हैं जिससे कौम मजीद नफ़रत का शिकार होती है मजीद उसकी जो जहनी सोचने की सलाहियत है वो नीचे आती है बना इसके कि पढ़े लिखे अच्छे लोग आए जो इस कौम की ग्रूमिंग करें इस कौम को इंटेलेक्चुअली हाई करें इस कौम को टेक्नोलॉजी की तरफ इस कौम के सोचने का रुख मोड़ें इस कौम को नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की तरफ ले कर इस कौम को ये सिखाएँ कि आपने तरक्की करनी है दूसरी कौमों से मुकाबला तरक्की में करना है नफरत में नहीं करना जैनस नहीं होना उनसे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की सरप्रस्ती स्टैब्लिशमेंट करती है और चैनल मालकान को पता है कि उनको अगर बिजनेस चलाना है तो इन्हीं लोगों को शोज देने हैं और फिर यही टॉक शोज में बैठ के जो नफरत जो घटियापन जो लचरपन बांटते हैं तो फिर क्या जब जिस मुल्क का आर्मी चीफ चौधरी गुलाम हुसैन को साथ बिठा के जवानों से खिताब करता हो तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आर्मी चीफ किस लेवल के इन सो कॉल्ड इंटेलेक्ट को पसंद करते हैं हालांकि ये कहीं से इंटेलेक्ट नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को सरप्रस्ती हासिल आई स्क्रीनों पर बैठे हुए हैं कौम में नफ़रत बांट रहे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुश है क्योंकि उनका बेहानियाँ बांट रहे हैं जी शायद इस्टेब्लिशमेंट को इस मुल्क में नफरत ही सूट करती है लेकिन इस नफरत की कीमत हम आधा पाकिस्तान तोड़वा के अदा कर चुके हैं लेकिन अभी भी शायद किसी को कोई एहसास नहीं ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट ये, ये भी सुनने को तैयार नहीं कि लोग क्या चाह रहे हैं लोग भूख से मर रहे हैं नून लीग नहीं पॉपुलर पीटीआई टी आई हो गई है इतनी ज्यादा अनपॉपुलर कि उसने लोग और फिर भी ये इस हुकूमत को सहारा दे रहे हैं। हम नहीं कहते कि ये इस हुकूमत को गिराएं यह एस्टैब्लिशमेंट का काम ही नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं कभी जहांगीर तरीन छोड़ दो तो कभी आ, छोड़ दो आप आ, किसी दूसरे तीसरे को और फिर हुकूमत पर दबाव डालो हुकूमत को कहो ये आप रिमूव करें आ, उस्मान बजदार को वज़रा को बुला के पैगाम दो ये इस्टेब्लिशमेंट का काम ही नहीं है आप कौन होते हैं ये काम करने वाले आपका क्या किरदार तो चीज़ ये है कि ये इस्टेबलिशमेंट का किरदार नहीं है लेकिन जो हुकूमत जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने रकबों अपनी मुलाजमतों अपने पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियों के लिए उस उसकूमत के अंदर हो रहा क्या है इस वक्त पाकिस्तान में जो परेशान कुंड डेवलपमेंट हो रही है हम एक जरूरी मुल्क हैं तमाम जरूरी साइड्स पर पाकिस्तान का शिकार है हमें अब आटा इंपोर्ट करना पड़ रहा है यानी गंदम और लाखों टन के हिसाब से इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें अब चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें अब काटन भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वजह क्या है कि इस साल 50 फीसद काटन कम पैदावार है, दस लाख से भी कम होकर पांच लाख घंटों पर रह गई जबकि यही चौदह लाख घंटे थी 2014 में हम अब पांच लाख नौ लाख घंटे घट गई है पाकिस्तान में जबकि जो फी एकड़ पैदावार है वो भी जो 545 केजी काटन एक एकड़ में पैदा होती थी अब इस वक्त पाकिस्तान में चार सौ इकहत्तर के जी एक उसमें एकड़ पैदा हो रही है क्यों यह घटी क्यों नहीं तोजह दी गई जो सब्सिडी आपने शुगर माफिया को दी क्योंकि वो आपकी हुकूमतें बनवाते थे आपकी हुकूमतों का हिस्सा थे जहांगीर तरीन ये खुसरो बख्तियार ये नसरुल्ला की शरीफ खानदान की शुगर मिले दरदारी खान की ओमनी ग्रुप की सूरत में शुगर मिले उनको तो सब्सिडीज़ मिली अगर आप यही स्पोर्ट प्राइस अगर आप मुकर करते काटन के लिए गंदम के काश्तकार के लिए तो आज ये हालात ना होते पाकिस्तान के आप सोचिए तो सही मुल्क किस तरफ चला गया आप लोगों की इन ख्वाहिशात के चक्कर में और आज पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल डबल हो चुका है इस साल सिर्फ उसकी वजह यह है कि तीन मिलियन डॉलर से आपको बढ़ के इस साल आठ मिलियन डॉलर की अब तक यानी कि डबल से भी ज़्यादा कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ी है क्या वजह है क्यों हम नहीं सोच रहे इन सब के बारे में हमें अपने रकमों की पड़ी हुई है एक हुकूमत हमने वोट चोरी करके इलेक्शन प्रोसेस को चोरी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके ले तो आए हैं लेकिन उसका हाल क्या है आवाम से उसकी नफरत करना लगा। वो एक एक अरब के डस्का में पैकेज का ऐलान कर रही थी कि इस बंदे को मिनिस्टर भी बनाएंगे एक अरब भी आपके हल्के पर लगाएंगे लेकिन लोगों ने उसको वोट ना दिया लेकिन स्टेब्लिशमेंट खड़ी है पीछे तो आखिर क्यों है ऐसा ये सोचना तो पड़ेगा हमें क्यों हम इस बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं और जबकि इस माशी बहरान में बढ़ते हुए हमें इस साल एक अरब रुपया इन तीन माह में इजाफी टैक्स हासिल करना है हमारी जेबों से निकलना है अगले साल छः हजार अरब हमारी जेबों से निकलना है जबकि हम पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ छः सौ उनतीस अरब लगना है छः हजार अरब हमारी जेब से निकल जाएगा तो खुद सोचिए क्या आखिर क्या हम क्यों इतनी कीमत अदा कर रहे हैं एक नाअहली की और कुछ लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात की ज़ाती अना की उनके रकबों की उनके पिज़ा हटों की ये कीमत मैं और आप क्यों अदा कर रहे हैं हम जाते ये भी कहना चाहेंगे हमें बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अहिल तशी बरदरी जो हमारे हैं जो शिया भाई हैं उनके बच्चे भी उन माओ के बेटे लापता हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जाए तो इस रियासत को कुछ शर्म करनी चाहिए क्या गैबस्तान आपने बनाया वो माओ के बेटे हैं सोचिए तो उन माओ के थोड़ी देर के लिए उन माओ के शूज में जाके आप सोच सकते हैं कि वो क्या सोचती होंगी हमारे बेटे की दिन कल मैं देख रहा है एक पेशावर की माँ की स्टोरी उसके चार बेटे लापता है अपनी बहु और बेटियों के साथ शाखों पर मजबूर है लोग जो घर में खाना भिजवा देते हैं जो चार पैसे खरात में दे देते हैं तो वो उस पर जिंदा है और वो पैदल चल के पेशावर हाईकोर्ट रोज आती है कि काश आज मेरे बेटे को पेश कर दें आज मेरे चारों बेटों को पेश कर दें या बता दें कहाँ पर है क्यों हम इतने जालिम हो गए क्यों ख़ुदा का खौफ कीजिए आप बैजों पे बैज लगाए जा रहे हैं बुलेट प्रूफ घाड़ियाँ खरीदी जा रहे हैं अशियाँ कर रहे हैं इन माओं का तो सोचिए खुदा का खौफ कीजिए तो हमारी दरख्वास्त होगी कि इन माओं के बेटे वापस किए जाएँ बहरहाल अपना ख्याल रखिए सलामत रहिए अल्लाह हाफ